दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। दुनिया की बेस्ट LGBTQ फिल्म्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको 14 बेस्ट LGBTQ फिल्म्स के बारे में बताया। वीडियो लंबा होने की वजह से हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। तो बात करते हैं 15वीं फिल्म की। फिल्म का नाम है कीप द लाइट्स ऑन और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ईरा सैक। डायरेक्टर ईरा सैक की ये फिल्म 2012 में आई थी, जो एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 41 मिनट और IMDb पर इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी गई है। फिल्म 1998 की कहानी दिखाती है। न्यूयॉर्क शहर का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एरिक रोथमैन पहली बार पॉल लूसी नाम के आदमी से मिलता है, जो पब्लिशिंग फील्ड में वकील है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी मुलाकात होती है, लेकिन जल्द ही कुछ और हो जाता है और उनके बीच एक रिश्ता जल्दी से विकसित हो जाता है। जैसे जैसे दो आदमी एक साथ एक घर और जीवन बनाना शुरू करते हैं, दोनों ही निजी तौर पर अपनी मजबूरियों और व्यसनों से लड़ना जारी रखते हैं। सेक्स, दोस्ती, इंटीमेसी और सबसे बढ़कर प्यार, कीप द लाइट्स ऑन फिल्म हमारे समय में रिश्तों की प्रगति पर एक ईमानदार नज़र डालती है। मादक द्रव्यों के सेवन और भावनात्मक और शारीरिक दूरी एक दूसरे के लव के लिए कैसे खतरा हो सकता है, यही फिल्म दिखाती है। इसी मुद्दे की अगली बेहतरीन फिल्म है टार नेशन। डायरेक्टर जोनाथन काउवेट की यह फिल्म 2003 में आई थी, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 28 मिनट। IMDb पर इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी गई है। फिल्म निर्माता जोनाथन काउवेट इस बेहतरीन कम बजट की डॉक्यूमेंट्री में अपने परिवार के इतिहास की जांच करते हैं। दशकों से चली आ रही घरेलू फिल्मों और वीडियो टेप, मशीनी संदेशों और परिवार के स्नैपशॉट का जवाब देते हुए फिल्म उनकी माँ रेनी की मानसिक बीमारी और काउवेट की अपनी समलैंगिकता की शुरुआती पहचान का डॉक्यूमेंट है। परवेसिव अब्यूज, एडिक्शन एंड अबंडमेंट के माहौल में काउवेट और इसका होमोसेक्सुअल पार्टनर संबंधों को कैसे संतुलित करते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। इस कड़ी की अगली फिल्म है बीइंग 17। डायरेक्टर आंद्रे टेकिन की ये फ्रेंच फिल्म 2016 में आई थी, जो एक रोमांस फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 56 मिनट और IMDb पर इस फिल्म को 7.2 की रेटिंग दी गई है। स्मार्ट और संवेदनशील डेमियन एक 17 वर्ष छात्र है, जो अपनी माँ मैरियन, जो कि एक डॉक्टर है, उनके साथ रहता है। उनके पिता नाथन विदेश में एक मिशन पर सैन्य पायलट है। डेमियन डेली अपने अल्पाइन गांव के स्कूल में मॉडल छात्र है। वह अनुभवी पड़ोसी पाओलो से सेल्फ डिफेंस सीखता है। डेमियन को एक सहपाठी थॉमस द्वारा बुली किया जाता है और खेल कूद के दौरान और स्कूल के ग्राउंड में उनके बीच लगातार कहासुनी हो जाती है। थॉमस भेड़ पशुपालक बिरासी का दत्तक पुत्र है, जिससे अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 90 मिनट पैदल और बस से जाना पड़ता है। मैरियन यानी डेमियन की माँ थॉमस के घर कॉल करती है, क्योंकि थॉमस की माँ क्रिस्टीन को पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है। क्रिस्टीन, जिसका गर्भपात का इतिहास रहा है, वह गर्भवती है और उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना है और धीरे धीरे थॉमस और डेमियन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों रिलेशन में आते हैं और फिल्म आगे कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। अगली फिल्म है गॉड्स ऑन कंट्री। 2017 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। फिल्म को फ्रांसिस ली ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है। फिल्म यॉर्कशायर में बसंत के मौसम से शुरू होती है। मुख्य किरदार युवा किसान जॉनी सेक्सबी जिंदगी से त्रस्त है और शराब पीने और कैजुअल सेक्स के साथ अपनी दैनिक कुंठाओं को शांत करता है। ये सब रेगुलर चलता है, फिर अचानक एक दिन उसके घर एक रोमानियाई प्रवासी श्रमिक आगमन होता है। धीरे धीरे
दोनों एक दूजे की लाइफ एक दूजे से शेयर करते हैं और फिर दोनों में एक गहन संबंध प्रज्वलित हो जाता है। रियल लव और रूमानी टच जॉनी को एक नए जीवन और नए रास्ते की तरफ ले जाता है। आपको बता दें कि ये फिल्म इस फिल्म के डायरेक्टर की रियल घटनाओं पर आधारित है। फिल्म को लगभग 30 से भी ज्यादा अवार्ड्स दुनिया भर में मिले हैं। अगली फिल्म है टैंजरीन। 2015 में आई ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 28 मिनट। फिल्म को शॉन बेकर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म विशेष रूप से 3 iPhone 5S स्मार्टफोन से शूट की गई है। ट्रांसजेंडर फीमेल सेक्स वर्कर सीन डिरेला, जिसने अभी अभी 28 दिन की जेल की सजा पूरी की है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हॉलीवुड में एक डोनट की दुकान पर अपने दोस्त एलेक्जेंड्रा से मिलती है। वो भी लेडी ट्रांस सेक्स वर्कर है। एलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि सिंडी का प्रेमी और दलाल चेस्टर उसे एक सिजेंडर महिला के साथ धोखा दे रहा है। फिर वो दोनों उसे खोजने निकल जाते हैं। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को फिल्म में अच्छे ढंग से दिखाया गया है, जैसे कस्टमर द्वारा उनका उपहास, गलत तरह से सेक्स, पैसे ना देना, पुलिस द्वारा उनकी बातों को सीरियस ना लेना आदि। कई जगह पर फिल्म भावुक भी कर देती है। अगली फिल्म है पराया। 2011 में आई ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 26 मिनट। फिल्म को डिरीस ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.2 की रेटिंग दी गई है। अलाइक एक 17 वर्षीय ब्लैक लड़की है जो अपनी लेस्बियन मित्र लॉरा के साथ क्लबों में घूमती है। धीरे धीरे जब उसे अपनी लेस्बियन आइडेंटिटी का यकीन होता है तो बैगी कपड़ों और पुरुष अंडरवियर में खुद को आरामदायक पाती है। उसकी माँ ऑड्रो को न तो उसके कपड़े मंजूर हैं और न ही लॉरा के साथ उसकी दोस्ती। अलाइक की कामुकता के बारे में बढ़ते संदेहों को दूर करते हुए उनकी माँ ऑड्रो उसे लेडीज कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है और लॉरा से उसको दूर करने के लिए चर्च की एक लड़की बीना से दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती है। अलाइक के अपने पिता आर्थर के साथ बेहतर संबंध है, जो एक पुलिस जासूस है। अलाइक में बीना के लिए भी फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और वो लॉरा की तुलना में उसके साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देती है। इससे लॉरा की झुंझलाहट बढ़ती जाती है। अलाइक के माता पिता में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं और आर्थर अलाइक के जीवन में आए बदलावों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, यह कहते हुए कि वह एक दौर से गुजर रही है। वह उसका समर्थन करता है। एक रॉक बैंड देखने जाने के बाद एक रात के बाद अलाइक और बीना के कमरे में अकेले होते हैं, जब बीना अलाइक को सहलाने और चूमने लगती है। अलाइक पहले तो झिझकती है, उसे फिजिकल इंटीमेसी का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। हालांकि वह बाद में जवाब देती है और दोनों एक साथ एक सेक्सुअल रात बिताते हैं। सुबह में अलाइक बीना से पूछती है कि वे अपने रिश्ते को कहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन बीना कहती है कि ये कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि वह वास्तव में लेस्बियन नहीं है और जो भी रात हुआ दैट वॉज जस्ट सेक्स। आहत और परेशान अलाइक घर लौट आती है और घंटों चीख चीख कर रोती है। प्रेम के धोखे, दुख दर्द और यौन अभिव्यक्ति, दिल टूटना और पीड़ाओं को फिल्म बड़ी सहजता से दिखाती है। नेक्स्ट फिल्म है अ फैंटास्टिक वुमन। 2017 में आई ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। फिल्म को सेबस्टियन लेलियो ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.2 की रेटिंग दी गई है। मरीना चिली के सेंटियागो में रहने वाली एक युवा ट्रांसजेंडर महिला है जो एक गायिका और एक वेट्रेस के रूप में काम करती है। उसे उसका प्रेमी ऑरलैंडो, जो कि मरीना से डबल एज का व्यक्ति है जिसके साथ वह हाल ही में आई है, और रात के खाने पर ले जाता है। उस रात ऑरलैंडो एक अचंभे में उठता है और शिकायत करता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही मरीना उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करती है, वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ऑरलैंडो को अस्पताल ले जाने और उसकी जांच करने के बाद उसे एक डॉक्टर ने बताया कि ऑरलैंडो की मृत्यु हो गई है। अपने साथी की असामयिक मृत्यु के मद्देनजर मरीना को जल्द ही एहसास हो जाता है कि अब से सब कुछ सवालों के घेरे में है।
ऑरलैंडो की मृत्यु में उसकी भागीदारी, उनका अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप और सबसे बढ़कर अपने प्रिय मृतक का शोक मनाने का उसका अधिकार। आखिर क्या था मरीना का गुनाह, एक ऐसा घिनौना काम जो एक शानदार महिला से उसका सम्मान, उसकी गरिमा और अंततः उसकी पहचान को छीन लेता है। पूरी फिल्म बेहद इमोशनल है और युवा ट्रांसजेंडर की लाइफ के दुख दर्द को बयां करती है। अगली फिल्म है रफी की। 2018 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 23 मिनट। फिल्म को वनूरी कहियू ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDB पर 6.8 की रेटिंग दी गई है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये फिल्म केन्या में बनी है जहां पर होमोसेक्सुअलिटी अपराध है, लेकिन फिल्म समाज के कई रहस्यों और होमोसेक्सुअलिटी के मुद्दे को बेबाकी से दिखाती है। फिल्म में केना नाम की एक लड़की है जो अपने पिता जॉन को नैरोबी में एक स्टोर चलाने में मदद करती है क्योंकि उसका पिता जॉन स्थानीय चुनाव के लिए प्रचार करता है। केना अपनी माँ के साथ रहती है, उसकी माँ अपने पति जॉन के साथ बातें नहीं करती। केना रंगीन बालों वाली पड़ोस की लड़की जिकी के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देती है जो जॉन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी पीटर ओकेमी की बेटी होती है। केना और जिकी की कई रोमांटिक डेट्स है और जल्द ही वो दोनों बहुत करीब हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के बारे में तनाव है क्योंकि केन्या में समलैंगिकता अवैध है। जिकी के दोस्तों को जलन होती है कि वह केना के साथ इतना समय बिता रही है और जब वह केना पर हमला करते हैं तो जिकी उसका बचाव करती है। जिकी केना को उसके घावों को भरने के लिए घर ले जाती है, लेकिन जिकी की माँ उन्हें किस लेते हुए पकड़ लेती है। वे छिपने के लिए भाग जाते हैं और शहर की भीड़ में मिल जाते हैं। शहर की भीड़ समझ जाती है कि इन दोनों में किस तरह का रिश्ता है, तो भीड़ लड़कियों पर हमला करने के लिए गुस्से से आतुर है। बाद में वो दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके पिता उन्हें लेने आते हैं। जिकी अब केना को देखे बिना नहीं रह सकती और उसके माता पिता उसे लंदन में रहने के लिए भेज देते हैं। कुछ साल बाद केना ने एक डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा किया और उसे खबर मिलती है कि जिकी शहर लौट आई है। फिल्म उसी तरह समाप्त होती है जैसे वे फिर से मिलते हैं। इतने सालों के बाद भी उनका प्यार मरा नहीं है। फिल्म का एंड रुला देता है जब सालों बाद दो लड़कियां अपने प्रेम के दिनों को दोबारा जीती है। अगली फिल्म है BPM। आप इसे 120 बीट्स पर मिनट भी कह सकते हैं। 2017 में आई ये फ्रेंच फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 2 घंटा 23 मिनट। फिल्म को रॉबिन कैंपिलो ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDB पर 7.4 की रेटिंग दी गई है। 1990 के दशक की शुरुआत में ACT UP के पेरिस अध्याय से जुड़े HIV/AIDS कार्यकर्ताओं का एक समूह एड्स महामारी से लड़ने के लिए संघर्ष करता है, जबकि फ्रांसीसी सरकार ने HIV/AIDS पीड़ितों का समर्थन करने के अपने इरादे की घोषणा की है। ACT UP पेरिस एड्स महामारी के प्रति अपनी उदासीनता के कारण सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध करता है और इस बीच नाथन, एक समलैंगिक HIV नेगेटिव व्यक्ति, शॉन के प्यार में पड़ जाता है जो HIV पॉजिटिव है। फिल्म इन दो पुरुषों के प्रेम और इनके एड्स वाले मुद्दे साथ ही साथ नेशनल लेवल पर सरकार और लोगों के आक्रोश को दिखाती है। अगली फिल्म है मिल्क। 2008 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 2 घंटा 8 मिनट। फिल्म को गस विंसेंट ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDB पर 7.5 की रेटिंग दी गई है। फिल्म ने बेस्ट राइटिंग और बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता हुआ है और इसी के साथ दुनिया भर के लगभग 80 बड़े अवार्ड्स फिल्म के नाम है। ये फिल्म हार्वे मिल्क नाम के एक आदमी के 40वें जन्मदिन से लेकर उसकी मृत्यु तक के करियर के बारे में बताती है। वह न्यूयॉर्क छोड़ देता है और एक कैमरा शॉप खोलता है जो सैन फ्रांसिस्को के बढ़ते गे कम्युनिटी के लिए सैलून बन जाता है और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने के लिए गेस की क्रय शक्ति का आयोजन करता है। वह अपने कैंपेन मैनेजर के रूप में प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ कार्यालय के लिए दौड़ता है। अंत में जीत उसी दिन आती है जिस दिन शहर के रूढ़िवादी जिले में
डैन वाइट जीतता है। फिल्म के बाकी हिस्से में मिल्क के वाइट के साथ सेक्सुअल संबंध और 1978 में समलैंगिक को और उनके समर्थकों को पब्लिक स्कूल की नौकरियों से रोकने के लिए एक राज्यव्यापी पहल के खिलाफ लड़ाई का चित्रण किया गया है। अगली और लास्ट फिल्म है सर्कस ऑफ बुक्स। असल में ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो 2019 में आई थी। IMDb पर इसे 7.1 की रेटिंग दी गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है रेचल मेसन ने। 1976 में करेन और बैरी मेसन कठिन समय से गुजर रहे थे और अपने युवा परिवार का समर्थन करने के लिए एक रास्ता तलाश रहे थे, जब उन्होंने लॉस एंजलिस टाइम्स में एक विज्ञापन देखा कि लैरी फ्लायंट हसलर पत्रिका के लिए वितरकों की तलाश कर रहे थे। एक संक्षिप्त साइडलाइन होने की उम्मीद के कारण वे LGBT समुदाय में पूरी तरह से डूब गए, क्योंकि उन्होंने एक स्थानीय स्टोर सर्कस ऑफ बुक्स को अपने कब्जे में ले लिया था। एक दशक बाद वे अमेरिका में गे पॉर्न के सबसे बड़े वितरक बन गए थे। ये फिल्म उनके दोहरे जीवन पर केंद्रित है। एक ऐसे समय में माता पिता होने के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है जब LGBT संस्कृति को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था। उनके कई चुनौतियों में एक संघीय अश्लीलता अभियोजन के लिए जेल समय का सामना करना और उनके स्टोर को एड्स संकट की ऊंचाई पर शरण की जगह बनाने में सक्षम बनाना शामिल था। सर्कस ऑफ बुक्स कतार के इतिहास में एक अनकहे अध्याय में एक दुर्लभ झलक पेश करता है और इसे मालिकों की अपनी बेटी रेचल मेसन, फिल्म निर्माता और संगीतकार ने अपने लेंस के माध्यम से बताया है। दो दिलों की नजदीकियां, नजदीकियां।